आजकल एक परियों की कहानी में विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन लाल इलो चैनल इसको ठीक करने की कोशिश करेगा। देखें दो बहनों आना और एल्सा के विश्वास न आने वाले कारनामों की कहानी, और इसका अंत क्या होगा ये हमारे लिए भी एक रहस्य है। चलो इस पुराने शहर में एक साथ चलते हैं। यहाँ रात की सर्दी की धुंध बहती है, खिड़कियों से हल्की रोशनी है, चांद आ गया और ऐसे ही पहले तारे भी। चलो पुराने घर की खिड़की के अंदर देखें। क्या तुम इस प्यारे से कमरे को देख रहे हो? छोटी आना और एल्सा अपने बिस्तरों के पास ही खेल रही है। बहनों को अपनी शाम साथ में बिताना बहुत पसंद है। आना पहले से ही सो गई, लेकिन छोटी एल्सा नहीं, इसलिए उसने अपनी बहन को उठाने का फैसला किया। आना चलो चलें, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। बहनें अपने बिस्तरे छोड़कर लिविंग रूम में चली गई। एल्सा एक साधारण लड़की नहीं थी, उसके अंदर एक खास गुण था, वो आसपास सब कुछ जमा सकती है। एल्सा ने घूमना शुरू किया और बर्फ गिरने लग गई। वाओ! आना को ये बहुत पसंद है, उसको अभी भी यही लगता है कि वो एक सपना था, वहाँ बहुत सारी बर्फ थी। लेकिन बहनें उलझी नहीं और एक स्नोमैन बनाने का फैसला किया और उन्होंने उसका नाम ओलाफ रखा। अब उन्हें खेलने में और भी मजा आ रहा था। किसी ने उन्हें छुपन छुपाई खेलने का सुझाव दिया। ढूंढने वाला कौन बनेगा? ओलाफ तुम नए हो, तो चलो तुमसे शुरू करते हैं। वो मुझसे कहाँ छुप गए? स्नोमैन अपनी सांसों के नीचे बड़बड़ा रहा है। आहा, ये रही तुम, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यहाँ आसपास इतनी सारी बर्फ है, स्लाइडिंग करना और स्नोबॉल से खेला जा सकता है। ये बच्चों के लिए एक असली त्योहार है, लेकिन आना ये खेल खेलने से जम गई है और थोड़ा गर्म होने के लिए एल्सा को एक चिमनी के साथ वाले लिविंग रूम में जाने के लिए कहती है। दोस्तों ने चिमनी जला ली। चिमनी के सामने बैठना और आग को देखना कितना अच्छा है, लेकिन ओलाफ इसके लिए तैयार नहीं है। ओलाफ चिमनी के इतना पास मत खड़े हो, तुम पिघल जाओगे। देखो तुम्हारे नीचे पहले से ही कीचड़ हो गया। आना प्लीज हमारे लिए पियानो बजाओ। संगीत उसकी जिंदगी में सबसे प्यारी चीज थी और वो अपनी शामों को दिल पिघला देने वाले गाने और धुने बनाने में बिताती थी। एल्सा और ओलाफ तब तक नाचने के लिए तैयार है जब तक वो गिर नहीं जाते। एल्सा सबको स्वादिष्ट चाय और अदरक वाली ब्रेड दे रही है। अब हम परियों की कहानियाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ इतनी सारी किताबें हैं कि कोई ने गिनना भी शुरू नहीं करेगा। आना एक सीढ़ी पर चढ़ती है और एक किताब चुनती है। वो आराम से बैठती है और पढ़ना शुरू करती है। कहानी इतनी दिलचस्प थी कि लड़कियों को आसपास की दुनिया बदलती महसूस होने लगी। रोमांच हमें बुला रहा है, किताब का दरवाजा खुला हुआ है, चलो हमारा रोमांच शुरू करें। कहानियों में लिखा है कि दूर देश में एक जादुई राज्य है, जो भी अंदर जाता है कभी वापस नहीं आता। आना और एल्सा परियों की कहानी वाली वादियों में पहुंच गए। आसपास सब कुछ हरा और ताजा था, एक नीला आसमान, बिल्लियों की तरह दिखने वाले सफेद बादल जो कि ऊपर मंडरा रहे थे, प्यारे जानवर घास के मैदान पर दौड़ रहे थे, गिलहरियां और खरगोश
और वहाँ कितने सारे फूल थे। वादी में हर तरफ गुलाबों की महक हमारे दोस्तों को लुभा रही थी। तितलियाँ आसपास उड़ रही हैं। अब साथ में खेलना कहीं ज्यादा मजेदार है। एल्सा, देखो यहाँ बड़े पेड़ हैं। चलो उनकी छाया में सूरज से छिप जाएं। वाह, यहाँ कितने सारे सेब हैं। ओलाफ, क्या तुम इनको उठाने में हमारी मदद करोगे? आना टहनी से पेड़ को हिलाती है और सेब की बारिश शुरू हो जाती है। वाह, ये बहुत है। अब हम एक बढ़िया स्नैक खाएंगे। यहाँ मुश्किलों का कोई अंदेशा नहीं था। आना और ओलाफ सेब उठाने में इतने मस्त थे कि उन्होंने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि एल्सा गायब हो गई है। आना और ओलाफ उसे बहुत जोर से बुला रहे थे, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरा और गहरा होता चला जा रहा था। दोस्त एल्सा को ढूंढने की उम्मीद में जंगल में और अंदर चले गए। वो थक गए और उन्हें नहीं पता कि अब किस रास्ते पर जाना चाहिए। आना, ऐसा लग रहा है कि हम अपना रास्ता भूल गए। गहरा जंगल अब लुभावना नहीं लग रहा। तुम दूर से ही जंगली जानवरों की आवाजें सुन सकते हो। यात्रियों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अचानक से जंगलों के बीच में से एक बेंच नजर आता है। ओलाफ, चलो बैठते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं। उन्होंने दूर तक देखा और उन्हें जगमग करती रोशनी दिखी, जो कि एक पुरानी झोपड़ी से आती हुई लग रही थी। ओलाफ, हम बच गए। चलो देखते हैं वहाँ क्या है। एक जंगल का रखवाला झोपड़ी में से बाहर आता है। पहले तो हमारे पात्र बूढ़े आदमी को देखकर डर गए थे, लेकिन जंगल की ओर दौड़ना कोई समझदारी नहीं थी। तो वो थोड़ा पास गए और उन्हें बताया कि वो खो गए हैं और एल्सा को ढूंढ रहे हैं। जंगल का दयालु रखवाला कहानी को ध्यान से सुनता है और चाय के लिए पूछता है। ये उनको आगे आने वाली कई सारी परेशानियों से निकलने की ताकत देगी। दोस्तों ने अपनी चाय खत्म की और वो जंगल के रखवाले की एक बर्फ के पहाड़ के बारे में कहानी सुन रहे थे, जो कि बच्चों को लुभाता है और उनके दिलों को ठंडी बर्फ में बदल देता है। ढूंढना जारी रखने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, तो दयालु जंगल के रखवाले ने आना और ओलाफ को रात के लिए झोपड़ी में ही रुकने का सुझाव दिया। सुबह हुई और दोस्त रास्ते पर चल पड़े। जंगल के रखवाले ने उन्हें एक जादुई शीशा दिया। ये एल्सा को देखने में उनकी मदद करेगा। उन्होंने उसका धन्यवाद किया और आगे बढ़ गए। जितना वो बर्फ के पहाड़ के करीब गए, वो उतना ही ठंडा होता गया। पतझड़ बहुत जल्दी आ गया। पेड़ हल्के पीले लाल हो गए। एल्सा को देखने के लिए उन्होंने जादुई शीशे में देखने का फैसला किया। ओ, एल्सा, हम बहुत खुश हैं। तुम ठीक हो और जिंदा हो। हम बहुत जल्द आएंगे। एना और ओलाफ रास्ते पर जा रहे थे, रुके और उन्होंने एक जंगल की परी देखी। एक पतझड़ वाले जंगल पर ऊपर हवा में मंडरा रही थी। वाओ! परी आना और ओलाफ की उदास कहानी सुनती है। उसे याद आया कि जंगल के गिलहरियों ने सफेद बालों वाली एक छोटी लड़की को बर्फ के पहाड़ से ज्यादा दूर नहीं देखा। तुम्हें एल्सा को बचाना होगा इससे पहले कि उसका दिल बर्फ में बदल जाए। इतना वक्त नहीं बचा, हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि कभी ना खत्म होने वाली ठंड आ सकती है और फिर हम सभी जमकर बर्बाद हो जाएंगे। आना, मैं तुम्हें एक गर्म कोट दूंगी ताकि तुम्हें जंगल में सर्दी ना लग जाए, परी ने कहा। जितना वो पहाड़ के करीब आ रहे थे, उतनी ही ठंड बढ़ती जा रही थी। उत्तर की हवाएं बहुत तेजी से चल रही थी। एक बर्फ का तूफान शुरू हो गया था। उस बीच एल्सा बर्फ के महल में एक बर्फ के सिंहासन पर बैठी थी। वो एक बर्फ के शीशे में देख रही थी और अपने जादू के आसपास सब कुछ जमा रही थी। जब वो बर्फ के हीरो से खेल रही थी, तो वो और ज्यादा ठंडी और साधारण दिख रही थी। तो उसके दिल में इस तरह से कोई प्यार नहीं बचा था। आना और ओलाफ एल्सा को ढूंढना जारी रखते हैं। इसके बावजूद कि उनके अंदर कोई ताकत नहीं बची, लेकिन उन्हें लड़ना होगा और हार नहीं माननी होगी। आना का प्यार उसके रास्ते में आने वाली हर परेशानी को पार कर जाएगा। बर्फ का जंगल जादुई दिख रहा था। बर्फ के बड़े ढेरों में से रास्ता बनाते हुए आना ने अपने हाथ में एक लाइट पकड़ी हुई है। ओ ओलाफ, इन सुंदर नॉर्दर्न लाइट्स को देखो।
हिरण हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। हम स्लेज पर चढ़ जाते हैं। ये हमें बर्फ के पहाड़ तक ले जाएंगे, वही जहाँ एल्सा है। आना और ओलाफ स्लेज पर चढ़ जाते हैं। ओलाफ देखो, एक महल। एल्सा जरूर वही होगी। हमें उसे बचाना होगा। एना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यही हूँ। एल्सा, ये मैं हूँ, तुम्हारी बहन। आना, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। एल्सा ने आना और ओलाफ को पहचाना नहीं, लेकिन आना ने अपनी बहन को जोर से गले लगा लिया और एल्सा का जमा हुआ दिल अपने प्यार से पिघला दिया। आसपास की बर्फ पिघलना शुरू हो गई और गर्माहट होने लगी। हमारी पांच स्लेज पर बैठे और घर वापस चले गए। आना, क्या तुम नींद में हो? मुझे लगता है कि हम परियों की कहानी पढ़ते हुए फिर से सो गए थे। एल्सा, मुझे एक बहुत बढ़िया सपना आया था। मैंने उसमें तुम्हें और ओलाफ को देखा। ये बहुत सच्चा लग रहा था। किसको पता है कि वो सही में एक सपना था। लेकिन तब से लड़कियाँ अलग नहीं हो सकती। क्या आपको हमारा रोमांच पसंद आया? तो लालीलू को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि हम हमेशा साथ में रहें।